हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोरियो मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोरियो की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोरियो की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोरियो मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोरियो की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोरियो की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट्स
सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है।
थिएटर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी
बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है, और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है, और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास
सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं इसी चैनल पे आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी
रिलीज किया गया था और इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस
20 मई को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले
बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े
बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर भी इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ
से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड
तक देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। वाल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना टेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वाल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म वाल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी वाल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी वाल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। वाल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना टेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वाल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म वाल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी वाल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी वाल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। वाल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी
एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वाल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके
देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर भी इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी
वॉल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वॉल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। वॉल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को B4U मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको B4U की जो YouTube चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप TV पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ B4U की जो भी TV चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से चेक पर एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास मराजा रवि तेजा स्टार फिल्म वॉल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी वॉल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी वॉल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वॉल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। वॉल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को B4U मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में YouTube पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको B4U की जो YouTube चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप TV पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ B4U की जो भी TV चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से चेक पर एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास मराजा रवि तेजा स्टार फिल्म वॉल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी वॉल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी वॉल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वॉल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। वॉल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10
टेन की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1/10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1/10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-164 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो
यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी
इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में
में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163
62 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैनेजर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 63 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैनेजर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 63 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओ
3 का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट
सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है।
अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी
मूवी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं कर तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कहाँ और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं कर तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कहाँ और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने, और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं कर तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म
अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट
सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो। और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें 88% गोल एजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है।
अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी फोर यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी फोर यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी फोर यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा
OTT का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कहाँ और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने, और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को B4U मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको B4U की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप TV पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ B4U की जो भी TV चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कहाँ और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने, और इसमें को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था, और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया, और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को B4U मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको B4U की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप TV पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ B4U की जो भी TV चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म
अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इस मूवी की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। अल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म अल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैडर रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी अल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। अल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इस मूवी को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी को 88
50% गोलीजा ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1/10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोलीजा ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था KS रविंद्रा ने और इसमें को IMDb पर 7.1/10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोलीजा ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163-165 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। वॉल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कम्प्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस
मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बीफोरियो की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं, अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बीफोरियो मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बीफोरियो की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बीफोरियो की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डहाट फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कंफर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के.एस. रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं, अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था, इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बीफोरियो मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था, उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बीफोरियो की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बीफोरियो की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो, ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने
वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास मारा जाए रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मारा जाए रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास मारा जाए रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मैनेजर रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर भेड़िया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था केएस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है, आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पे हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और इसमें को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है। ऑल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इसमें को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओटीटी का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाकर देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघर पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास मारा जाए रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास मारा जाए रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहां पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट्स
सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है। ऑल्टर मीडिया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को बी4यू मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है। इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको बी4यू की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ बी4यू की जो भी टीवी चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इसमें को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा स्टार फिल्म ऑल्टर भेड़िया के बारे में। तो अगर आप भी ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो और चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की डायहार्ड फैन हो, खास करके उनके मूवी ऑल्टर भेड़िया को हिंदी में देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके इन तक देखते रहना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल्टर भेड़िया मूवी को हिंदी में कब और कहाँ पर देख पाओगे। तो अगर आपको भी इस मूवी को हिंदी में देखना है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास में वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और मैं इसी चैनल पर आपको नए नए मूवीज़ के अपडेट सबसे पहले और कन्फर्म अपडेट देता रहता हूँ। ऑल्टर मीडिया साल 2023 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी थी। इसमें को डायरेक्ट किया था के एस रविंद्रा ने और इसमें को आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें को 88% गोल यूजर ने पसंद भी किया था और इसमें की बजट थी 140 करोड़ रुपया और इसमें बॉक्स ऑफिस से करीब अभी तक 163.65 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। आगे चल के मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी तक ये मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। आगे चल के मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल पर हमें चिरंजीवी, रवि तेजा, श्रुति हसन, कैथरीना तेरेसा, बॉबी सिम्बा, निवेदिता पेथुराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को भी हम इस मूवी में देख पाएंगे। इस मूवी को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी को हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है।
वाल्टर भेड़िया मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को B4U मोशन पिक्चर्स ने खरीदा था। उन्होंने इस मूवी की डबिंग को कंप्लीट किया है और इस मूवी को अगर आप हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आगे चल के आपको B4U की जो यूट्यूब चैनल पर है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी को अगर आप TV पर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको सिर्फ B4U की जो भी TV चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा OTT का अभी कोई कन्फर्म नहीं आया है, तो कन्फर्मेशन होते ही आपको अपडेट भी मैं कर दूंगा। तो ये मूवी अभी तक आप जाके देख सकते हो, ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आप सिनेमाघरों पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन सारे साइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि वो सभी इलीगल होती है। तो आप इस मूवी को अभी सिनेमाघरों पर जाकर देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जाकर देख लो, और अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मूवी को जोर से एक बार वॉच कर लेना।